तो आज हम आए हैं सिक्स फ्लैग्स अटलांटा जॉर्जिया। यहाँ पे हैलोवीन की सेलिब्रेशन चल रहा है, सभी भूत बन के घूमते रहते और सबको डराते रहते। इनको अभी यहाँ पे पता चला कि मैं उनको वीडियो में शूट कर रही हूँ, तो आपको हाय बोल रहे हैं। तो छोटे छोटे क्लिप्स अभी जितना मैं शूट कर सकती थी उसके साथ की हूँ। अभी आप देखना और इन्जॉय करना। मैंने बिल्कुल भी इसमें म्यूज़िक एडिटिंग कुछ नहीं की हूँ, पूरा का पूरा रॉ रखी हूँ ताकि आप देख के इन्जॉय करें। उसके बाद भी और क्या हो रहा है सब दिखाती हूँ आपको। चलिए हेलो गाइस, आज हम सिक्स फ्लैग्स में हैं और अब हम ड्राइव करने वाले हैं पटरी पर। तो कुछ नहीं करने वाले हैं, पापा को दिखाना। एज यूजुअल हम मोबाइल देखने वाले हैं और उसके बाद एक घूमने वाला राइड करने वाले हैं। अच्छे से पकड़ो ना जरा ऐसा। हाँ, घूमने वाला राइड करने हैं। अब हम 1900s की गाड़ी में चलने वाले हैं और होप वी डोंट क्रैश। आई एम गोइंग टू क्रैश। ये है जो पीयूष बोल रहा था ना, ओल्ड व्हीकल से एयर ड्राइव करने के लिए जा रहे हैं। अब मैं यहाँ बम्पर कार खेलने वाला हूँ। यहाँ कहाँ बम्पर कार है, कुछ भी बकवास कर रहा है। अलाउड नहीं है जी, वही जोक था। अभी नहीं आया हमारे नंबर, अभी नहीं आया और थोड़ा वक्त है। और अब नहीं आया। अब क्या हुआ है, यहाँ से मुझे एक राइड दिख रहा है पर हमारा नंबर क्या नंबर तो लगेगा ना आराम से। अब यहाँ तो नंबर लगेगा। बहुत बहुत वक्त से रुके और फिर फाइनली अब नहीं आ रहा है, तो हम दूसरे राइड करने का विचार कर रहे हैं। ये हिंदी प्लस मराठी हो रहा है ऐसा नहीं। हाँ, तो मुझे यहाँ से ना चितापुर वाला राइड दिख रहा है, जो मैं चितापुर में फेयर में जाती थी। दिखाओ पीयूष। मम्मा छोटे बच्चे भी बोल रहे कि नहीं करना है, हमें हमारी इज्जत का जाएगी। पीयूष ड्राइव करेगा है ना पीयूष? हाँ, यस फॉर्चुनेटली पीयूष ड्राइव करेगा और हम दोनों बैठेंगे पीछे। ड्राइव सेफली पीयूष। Slow day. Good night.
बहुत दिनों के बाद मैं आपको मेरा मॉर्निंग व्यू दिखा रही हूँ। क्या नज़ारा है यार। अभी एक्चुअली यहाँ पे विंटर स्टार्ट हुआ है ना, तो सनराइज लेट से होता है। अभी मेरे यहाँ हो रहा है मॉर्निंग का 7 AM, फिर भी सूर्यदेव अभी आने में है। थोड़ा जूम करती हूँ। ओह माय गॉड, इतना अच्छा लगता है ना देखने के लिए। और ठंडी भी अभी हल्की हल्की स्टार्ट हुई, तो बालकनी में मैं आ सकती हूँ और रिकॉर्ड भी कर सकती हूँ। थोड़े दिन के बाद बालकनी में भी आना अलाउड नहीं रहेगा मुझे, इतनी ठंडी स्टार्ट हो जाएगी। पर ये वाला दृश्य तो बहुत बढ़िया है ना। ये दो टिश्यूज एक साथ इसको अच्छे से फोल्ड करो। तो इसमें दो पेटल्स का डिजाइन बनाना है। और एक और यहाँ पे भी बनेगा, अभी थोड़ा सा छोटा बनेगा पर बनेगा। इसको अभी कट करते हैं। यहाँ पे इतने सारे बन के रेडी है, अभी इसको मैं अटैच करूंगी जो बैकड्रॉप है उस पे। लेट्स बैकड्रॉप बनाते हुए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई अभी, पर आपको पूरा डिज़ाइन तो दिख ही जाएगा। लक्ष्मी पूजन के लिए पीछे मुझे कुछ रखना था, उसके लिए मैं ये बनाई थी। और मैंने कलर चूज़ किया था येलो, और बड़े बड़े फ्लावर्स लगा भी सकती थी, पर मुझे ना छोटे फ्लावर्स पास पास में लगाने का एक अलग ही लुक आता है, तो करके देखना था। काफ़ी पेशेंस चाहिए, इतना मेरा बैक पेन हुआ ये सब होने तक वो तो अलग बात है, पर एक अलग ही लुक बहुत ही अच्छा मुझे पसंद आया कि वर्थ था मेरा जितना भी मेहनत मैंने डाल के की थी। पूरा रंग लाया वो फाइनल वाला लुक आपको दिवाली में मैं लक्ष्मी पूजन के दिन दिखाती हूँ। जो पेटल्स बनाई थी ना, वो एक एक मैंने 3 लेयर रखी हूँ, और एक लेयर लगाते ही पेंसिल से घुमाना है, फिर सेकेंड लेयर, फिर उसको घुमाना है, फिर थर्ड लेयर लग के घुमाना है ताकि फ्लावर का लुक आए। वो कटिंग करके बनाते बनाते मेरा डिनर का टाइम हो गया था। पीयूष आ गया घर पे, तो पीयूष के लिए आज मैं बनाने वाली थी बुरीटो। तो मैंने सोचा कि एक घर पे सिंपल सा मैंने बनाया था जो कि रेगुलरली बनाती हूँ, तो आपके साथ मैंने वीडियो भी आज शेयर कर रही हूँ। आप भी अगर आपके बच्चों को कुछ अलग देना चाहते हो, वही राइस, वही दाल, वही रोटी, वही सब्जी खा खा के बच्चे बोर हो जाते, पर YouTube पे मैं भी देख लेती हूँ कुछ कुछ ऐसी, तो ट्राई करते रहती हूँ। तो ये वाला रेसिपी मुझे अच्छा लगा पीयूष के लिए, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर में रोटी बेल के ले रही हूँ। राउंड भी कर सकते हैं, पर स्क्वायर बनाने में ना थोड़ा सा रोलिंग के लिए अच्छा सा हेल्प हो जाता है। उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ बेसन का, बेसन में सारे सब्जियां डाल के उसको मिक्स करके वो एक लेयर लगाना था, तो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड ही हो गया। ये और थिक रहेगा तो और भी अच्छा लगेगा। तो सेक के लिए मैं रोटी बनाई, सेक के लिए, उसके बाद मैं ये एक लेयर बेसन का लगाई हूँ, और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल ड्रॉप डाल के वो जाएगा अभी तवे के ऊपर, अच्छे से सेक के लेना है तवे पे। ठीक से प्रेस कर कर के सेकना है ताकि जो बेसन है वो पूरा से पक जाए, अदरवाइज़ फिर तो प्रॉब्लम देगी। तो दोनों साइड से भी एक बार इधर से एक बार इधर से मैंने सेक ली। यहाँ पे मैं बटर का यूज़ कर सकती थी पर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पीयूष डाइट पे रहता है तो सिर्फ दिन में एक आधी बार वो खा सकता है। एकदम ऐसा ताज़ा ताज़ा दिख रहा है, फ्रेश दिख रहा है ना। हाँ तो बताओ अभी ये वाला सॉस डालूं? नहीं नहीं वो सिर्फ वो
केचप नहीं, केचप हाँ अरे थोड़ा ग्रीन चटनी लगा, हाँ वही बोल रहा था मैं, ये और वो साइड में देने। ए ओ ताई ना क्लीन तो केचप भी नहीं आता, देखना कितना है बस, क्या बस बस, क्योंकि ज्यादा भी नहीं पसंद है ना तुझे। आप नहीं खाओगे? खाऊंगी खाऊंगी। ओके। पहले मैंने ग्रीन चटनी लगाई, उसके बाद मेयोनीज, और उसके बाद अभी डाल रही हूँ पनीर प्रोटीन के लिए। ये चीज़ नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो, मैं नहीं डाल रही हूँ। उसके ऊपर जा रहा है प्याज, टोमेटो, और अगर कुछ राजमा वगैरह छोले कुछ होगा आपके पास सब्जी बना हुआ तो वो भी आप ऐड कर सकते हो उसके ऊपर। पीयूष को नहीं चाहिए था और था भी नहीं घर पे, जो था तो उसी के लिए जितना था उतना बना के मैंने दिया है। क्या अब बाजू में डालूं? हाँ। ऐसे ही बाबा, हमारा सब अंदर चला जाता है, थोड़ा इधर बहुत थोड़ा बस होगी दुबारे। और ये भी चाहिए? हाँ इधर ही बस, थोड़ा टेस्ट करना। ओके ओके, थैंक यू, एंजॉय।